हमारे शरीर के किसी खास अंग को ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है और किसी को कम होती है। जैसे हमारे हाथ पैर को ऊर्जा की कम जरूरत है लेकिन हमारे जीव को ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत है क्योंकि कंटिन्यू हमको बोलना है। तो बॉडी बॉडी का पता ऊर्जा को खींच के लाता है, हाथ वगैरह की ऊर्जा को खींच के ले आके कहां दे देगा, जीव को। अगर बॉडी बॉडी नहीं होता तो किसी खास जगह को ज्यादा प्रयोग कर देते तो काम करना बंद कर देता, वहां की ऊर्जा कई काम से। तो ऊर्जा इत्यादि का परिवहन काम कौन करता है, एक और काम करता है जिसका नाम है आरएनए, मैसेंजर आरएनए, शक्ति आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए तो क्या, ये गाजी बॉडी, ये क्या करते हैं, कोशिका परिवहन का काम करते हैं। अब इसके अंदर एक पता है सबसे खतरनाक चीज जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं लाइसोसोम, काटने को लगा उसको मना करिए तो बोल है आसिफ कौन बात रहा है। दोस्तों तो वो बांधने के लिए कौन बोला है, तीन सबको लाइसोसोम बहुत पूरी तरह से मॉनिटर का काम करता है। लाइसोसोम का काम क्या है कि ये देखते रहता है कि कौन अच्छा से काम कर रहा है कौन खराब से काम कर रहा है। अगर इसमें से कोशिका का कोई अंग अच्छा से काम करना छोड़ा, जैसे माइटोकांड्रिया मान लीजिए ऊर्जा बनाना छोड़ दिया, दिखाएगा तो तुम लड़ के करेगा क्या, जब तुम काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम के अंदर एक बहुत ही जहरीला एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम। ये माइटोकांड्रिया को बुलाता है अपने पास कीड़ा रखा हुआ और उसको क्या करता है चिपका के और उसके अंदर क्या छोड़ देता है, जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है जिससे कि माइटोकांड्रिया जल के खत्म हो जाता है। तो शरीर के अंदर मान लीजिए अगर ये जला के खत्म नहीं करता तो पूरे अंदर सड़ता और कोशिका को बर्बाद कर देता, इसलिए कोशिका के अंदर सफाई का काम कौन करता है, लाइसोसोम। अगर मान लीजिए लाइसोसोम काम नहीं करेगा उसको भी जला देगा, कहेगा लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये किसी चीज को क्या कर देता है, जला कर खत्म कर देता है। कभी कभी क्या होता है पूरी कोशिका काम करना छोड़ देती है, कोशिका के पूरे हर एक अंग काम करना छोड़ देता है। तो लाइसोसोम करता है कि हमारे ऑर्डर के खिलाफ हम बोलते हैं तुम काम कर और काम नहीं करेगा तो पूरा लाइसोसोम भर जाता है, गुस्सा हो जाता है, लाइसोसोम खुद को ही फाड़ देता है। अच्छा खुद को फाड़ेगा तो इसके अंदर क्या बनाता है, जब बनता है पूरी की पूरी कोशिका मर जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको कोशिका के आत्महत्या की थैली या परमाणु बम कहा जाता है। कोई दिक्कत किसको कहा जाता है, लाइसोसोम नहीं रहेगा तो कोई भी कोशिका जल मर के वही पड़ी रहेगी और नुकसान करेगा। अब क्या होगा थोड़ा कल्पना करिए कि अगर पहले लाइसोसोम ही मर जाए तो कभी कभी आप दरवाजा खोलते होंगे ड्रॉर बंद करते होंगे कभी दरवाजा में खून जम जाता होगा, देखते हुए खून जम जाता है। रीजन क्या है कि इन लोगों को मारने से पहले ही कौन मर गया, लाइसोसोम में मर गया। अब लाइसोसोम ही मर गया तो साफ कौन करेगा, इसलिए जमा हुआ खून मर के वही रहता है। तो अगल बगल के लाइसोसोम आते हैं सर धीरे धीरे साफ करते हैं, पहले इंसान अपना देखेगा मतलब इसके बगल में जो कोशिका थी उस वाला लाइसोसोम धीरे धीरे साफ करेगा, कोई दिक्कत किसी को कोशिका नहीं होगा। अब इसके अंदर एक प्रकार सेंट्रोसोम न्यूरॉन सेल के नाम
से भी जाना जाता है, निलॉन सेल सबसे बड़ा सेल होता है, शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, इसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है, परिवहन करने का काम। इसके अलावा एक और चीज है जो परिवहन करता है, उसका नाम है टीआरएनए। क्या करता है, टीआरएनए कन्वर्शन करता है, उसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लियस क्या करता है, पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, लाइसेंस और अत्यधिक निकाल देता है। कोई दिक्कत किसी को, कोशिका के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, हम उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये उसी झिल्ली में पैक रहता है। हम लोग की कोशिका क्या झिल्ली नहीं रहेगा तो सब कौन नहीं जाएगा, सब इधर उधर छिटा जाएंगे सर। तो कोशिका नहीं रहेगा तो बढ़ेगा कि बचेगा, बढ़ जाएगा। तो कोशिका के बाहर भगवान को खुशिया तो झिल्ली लगा दिया, उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। और हम लोग में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, उसी झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। हम लोग अपना शरीर कपड़ा इत्यादि से ढक के, जो भी पहले हम लोग पक्की उत्ती बांध के घूमते थे, अपना शरीर को ढक के रखते थे, आज पक्की बांध के कोई नहीं घूमता है। ठीक भी है, घूमेगा गाय खा जाएगी उसका पक्के, पत्ती बन गया भिगना पड़े तो गाय खा लेगी, गंदा हो जाएगा, क्योंकि पत्ती की संख्या क्या हो घट गई है। तो आप लोग भगवान जानता था कि मानव अपनी कोशिकाओं की रक्षा कपड़ा के द्वारा कर सकता है, इसलिए हम लोग के बाहर सी पे को झिल्ली पहना के भेज दिया कोशिका के बाहर, हल्का सा झिल्ली। लेकिन उनको पता था कि गाय भैंस भी अपना रक्षा कर सकते हैं, पेड़ पौधा अपना रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को कुछ भी होगा ना पेड़ पौधा को जाकर डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए कोई थक गया है, खड़ा हो रहा है, तब तक रख देगा पेड़ को कोशिका दबा गया, इनके ऊपर कैसे खड़ा हो जाए, अच्छा लगेगा दिमाग भाग जाता है गांव का दूसरे को। भगवान को पता कि सबसे ज्यादा अत्याचार कोई सहेगा तो पेड़ पौधा सहेगा, कुछ हुआ तो कोई नाक छीनगा पेड़ है तो देखिए आपको चलता नहीं, तो जानता था कि कोई जानवर पेड़ पौधा इतना अत्याचार सहेगा। इनको अत्याचार से बचाने के लिए उन्होंने कोशिका के बाहर एक दीवार बना दिया, जिसको कोशिका भित्ति, दीवार उर्दू भाषा है, हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे। हम लोगों में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, क्वेश्चन आएगा पेड़ पौधे और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर किसका होता है, कोशिका भित्ति। किसका होता है, कोशिका भित्ति। कोई दिक्कत किसका होगा, कोशिका भित्ति का। कोई दिक्कत क्या होता है जी, भाई चौकी जी तबियत जितना ठीक है उन लोगों को देखे जाता ही रोक पाएंगे, तबियत ठीक होगा। प्रकाश को लेकर भोजन बनाने के लिए पूरा एक चैप्टर बायोलॉजी का ही पूरा कोशिका भित्ति में। कोई दिक्कत अब उनको याद करा देते हैं, आप लोग को ज्यादा काम ध्यान नहीं करना पड़ेगा, याद करा देते हैं आप लोग का काम बस फाउंडेशन छोड़िए, फाउंडेशन आपके बाहर बच्चे आएंगे सर आपके पढ़ने के लिए, अभी आपको नौकरी लेके लिए अभी सीधा याद करा देते हैं। कंसंट्रेशन से पढ़िएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आए जो पढ़े ना वो याद आएगा, अगर क्वेश्चन अगर क्रेव चक्र कहा चलेगा, हम लोग में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका
क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ऑप्शन क्या था समझा देते हैं। पर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का खोज किसने किया? सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो धरती का, ओवरऑल में कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग हम लोग में सबसे बड़ी कोशिका मस्तिष्क की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, क्या मस्तिष्क की तंत्रिका की कोशिका। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, आराम से बैठे रहेंगे, अपने सीट पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पे कोई दम नहीं रहता है, मेन प्रॉब्लम होता है आपका समझ देगा, वरना क्वेश्चन पे तो चार वो चीज का बता के चल जाता। देखिए गायत्री बोली है, न्यूक्लियस है, जमीन पे कहीं नहीं बैठाया जाता है, बैठा लेता कहीं नहीं बैठा लेता, लेकिन पूरे पटना में इतना कम पी लेके इतना कहीं चिल्लाया भी नहीं जाता है। कहीं पे भी जाइएगा यहाँ पे लड़का जीएस के क्लास में लिखता है ना तो उसका हाथ चढ़ जाता है, क्लास करके निकलता है तो उंगली उठाता है, पूरा लिखवा दो मास्टर। आपको किसी भी क्लास में आते होंगे बहुत से बहुत एक पेज भरता होगा, बहुत हो गया उस दिन एक पेज, समझिए उस दिन बहुत लिखवा दिया। आप थोड़ा सा कॉपरेट करिए, आपको भी पता है।